अर्ज किया है, लड़की को मत छेड़ पाप होगा, लड़की को मत छेड़ पाप होगा, ये मत भूल तू भी किसी दिन लड़की का बाप होगा। नमस्कार, आदाब। हम हैं आपके खास खुराफाती, जिसे आप जानते हैं भली भांति। हम हैं आपके पिंटू पांडे और स्वागत करते हैं आपका म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड गेम से भरे हुए फुल टू फिल्मी शो में, जहां है एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी, बिग टॉप 20। भाई आज का एपिसोड बहुत खास है। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के 20 सुपर हिट गाने, करेंगे मेहमान से घमासान, बढ़ाएंगे आपका बॉलीवुड ज्ञान, सुनाएंगे आपके भेजे हुए छटपटे चुटकुले, और आज के एपिसोड में मैं बताएंगे महमूद के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी है। तार धिन ना। तो शुरू करते हैं खुराफात। सबसे पहले करते हैं खबरों की खिंचाई। खबर आई है कि राहुल गांधी का कहना है 2-4 रोटी खाएंगे, कांग्रेस को दोबारा लाएंगे। इस पे एक चाचा का कहना है, भाई नारा तो सही दिया है पर उल्टा दीजिए, कांग्रेस को लाएंगे तो सिर्फ 2-4 रोटी ही खाएंगे महीने में। एक खबर से पता चला है कि कभी शराब के तस्कर थे, हाल ही में पकड़े गए बाबा। इस पे एक भक्त का कहना है, बाबाओं का भी अजीब हिसाब है, सोम रस पीते हैं, कहते हैं मंगल हो, उनके बुद्धि में ये बात जाती नहीं है कि उनपे बीएफए बन रहा है, और फिर भी शुक्र है कि कुछ बाबा लो भीतर हैं। पूरा हफ्ता हो गया ना, बोलो भी हफ्ता ही वसूलते हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि रेल जैसी है कांग्रेस पार्टी। इस पे अशोक चाचा का कहना है, हाँ सही कहा है बाबू, अब हम समझे कि लोग रेल पे भरोसा काहे नहीं करते हैं, रेल अक्सर पलटी क्यों मार देती है, ट्रैक से क्यों उतर जाती है, और सबसे बड़ी बात, रेल में आए दिन कोयला घोटाला क्यों होता है। नहीं, एकदम सेम टू सेम है। प्रकाश करात का कहना है कि मुलायम बन सकते हैं देश के पीएम। इस पे एक चाचा का कहना है, अरे भाई मुलायम बन जाए, जरूर बने, लेकिन वादा करें कि पीएम बनने के बाद कठोर कदम उठाएंगे, मुलायम नहीं। अब बारी है 3 रापची गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 20, 19 और 18।